हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है, पर फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। अब शिवांगी कहाँ जाएंगे? प्लीज आप इनकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि शिवांगी का भाई और रानी साहिबा का बेटा अभी मौजूद है। भैया मेरी बहन तो सालों से मेरे साथ है, लेकिन एक माँ की कमी हमेशा महसूस की है मैंने, जो अब आपको मिलकर पूरी हो गई। बबली तुम भी हमारे साथ चलोगी? तुम्हारी फिर से शादी हुई है, इसलिए विदाई का शगुन तो बनता है। पिछली बार जब तुम्हारी विदाई हुई थी तो हम आपसे बहुत नाराज थे। हमें लगा कि आपने आपने गलत आदमी से शादी की है, लेकिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम तो सोना है, खरा सोना। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप दोनों नए सिरे से जिंदगी शुरू कर रही हो, और हमारी दिल से दुआ है कि आप बहुत खुश रहो। उतारो इसे। हम लौटेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। आइए निमृत जी। अगम जी ये फोटो? ये हमारी कल वाली शादी की फोटो है। मैंने बंदूक से कहा था कि इसे फ्रेम में लगवा दे, और मैंने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले हमारे कमरे में लगी होनी चाहिए। अगम जी, अगर अगर पापा जी को ये बात पता चली कि मैं यहाँ वापस आ चुकी हूँ तो वो क्या कहेंगे? निमृत जी, पापा बिजनेस के सिलसिले में 2 महीने के लिए दुबई में रहेंगे, और वैसे भी अगर मैं आपके साथ हूँ तो परेशान होने वाली कौन सी बात है? यकीन मान मैं सब ठीक कर दूंगा। बताया कम जी, मैं हमेशा से इंतजार करती थी इस दिन का। सोचा करती थी कि पता नहीं ये दिन कब आएगा जब हम हमारे घर में होंगे, एक साथ एक दूसरे से ये कह पाएंगे कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अब आपके दिल की हर तमन्ना पूरी होगी निमृत जी, असल मायने में हम पति पत्नी अब होंगे, चारों तरफ खुशियां खुशियां होंगी। लेकिन उन खुशियों में एक कमी हो गया कम जी। ओबरा साहब की है ना, मैं जानता हूं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने शहर के सबसे अच्छे वकील से बात की है, बस मैं अभी उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो मैं भी पापा से मिला हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको कैसे पता था कि वो दोनों बाहर जाएंगे? स्मार्ट बंदा हूँ मैडम,
मुझे पता था कि अगम ने वकील से अपॉइंटमेंट लिया है और अगर मेरा अंदाजा सही है तो निमृत भी मिस्टर ओब्रॉय से मिलने गई है। परफेक्ट, तो फिर हम काम शुरू कर दें। कोर्स, यही एक परफेक्ट वक्त है उन दोनों के लिए कुछ स्पेशल करने का। आफ्टर ऑल उन दोनों की सुहागरात जो है। यस, हम इस सुहागरात को बिल्कुल स्पेशल बनाएंगे, थोड़ा शरारत का तड़का लगाकर। बिल्कुल, ये रात उन दोनों के लिए एक यादगार रात रहनी चाहिए। शुरू हो जाए। ओके चलिए। इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? आपके फेवरेट बैंगन की सब्जी और मूली के पराठे की। सच में? क्या बात कर रही है? वैसे सारी दुनिया का लजीज खाना एक तरफ और मेरी निमृची के हाथ के बने मूली के पराठे एक तरफ। अच्छा, पहले खाना चख तो लीजिए, उसके बाद तारीफ कीजिएगा। वैसे में चखने की क्या बात है, मैं जानता हूँ ना आपके हाथों में जादू है। अगम जी, मम्मी जी आ जाइए। निमृत बेटा, वो अगम आ गया है तो खाना तैयार हो जाए तो लगा देना, ठीक है? जी जी मम्मी जी। आप मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा बनी रहे। आज मेरे मन में शांति है अगम जी, पापा से मिलके जो आ रही हूँ मन हल्का हो गया। पापा ने मुझसे वादा लिया है कि मैं उनके लिए परेशान नहीं होंगी। और परेशान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वकील साहब के साथ मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि वो उनकी सजा कम से कम करवाएंगे। सच? भाई अब इतनी मेहनत करके आया हूँ, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा अगम जी, लेकिन आप मुझे खाना बनाने देंगे तब ना। वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपकी कुछ मदद कर। नहीं, आप मेरी मदद मत कीजिए। आप जाइए। आप जाइए। कम जी भी ना। सुनो, ये कोई खाना है? रोटी ऐसी जली हुई और ये दाल नहीं, उबला हुआ पानी है। भूख लगी है तो खा लेना, यहाँ पे यही खाना मिलता है। तुम जानती नहीं हम कौन है? जानती हूँ, एक मुजरिम हो। निमृत बेटा, तू भी बैठ जा, सब ले लेंगे अपने आप। जी। निमृत बेटा जी, तू खा क्यों नहीं रहे? खाओ। खा ही रही हूँ मम्मी जी। अगम पुत्र, अब तू क्यों रुक गया? अगम जी, आपको तो मूली के पराठे और बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है ना, तो खाइए ना। हाँ, वो मुझे भूख नहीं है। तो जितनी भूख है उतनी खा लीजिए। उल्टे हाथ से क्यों खा रही है? नहीं मम्मी जी, वो ताई जी, आपके किसी भी सवाल का जवाब इन दोनों के पास नहीं होगा। अब तो यही चलता रहेगा, कभी दाएं तो कभी बाएं, तो कभी बाएं तो कभी दाएं। आदत डाल लो आप। आजे पुत्र बैठ। मतलब क्या है? मतलब ये बुलेट से पूछे ना, बोल ना बता। शिवांगी तुम कब आई? आज शाम को ही आई, पता नहीं शाम से ही दोनों ऊपर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। पूछने पर यही बोल रहे हैं कि सरप्राइज है, सरप्राइज है। सरप्राइज? भाई ऐसा कौन सा सरप्राइज है?
मैं भी तो देखूं। अरे अरे रुकना, कहाँ जा रहा है? तूने खाना खा लिया? हाँ, पेट भर गया। पेट भर गया? पेट भर गया या कोई और बात है? अरे भाई कमाल है, पहले तू 10-12 पराठे खा जाता था, आज तेरा आधे में ही काम हो गया, ऐसे कैसे? अरे बंदूक मेरे, चल 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 खाना खा ले पहले भाई। बैठ बैठ, बात तो सुन। अरे अरे बैठ जा, सरप्राइज। पहले आराम से खाना खा ले, फिर तुझे सरप्राइज भी पता चल जाएगा। अब चल, तू भी खा।